6 लाख की भैंसे चोरी कर ले गए दो चोर। घटना की रिपोर्ट और भैंसों को बरामद कराने थाने के चक्कर काट रहा है फरियादी। शिवपुरी जिले के पिछोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इमलिया गांव के धर्मवीर यादव के 6 लाख रुपए कीमत की 6 भैंसों को 6 माह पहले दो चोर चोरी कर ले गए। धर्मवीर यादव ने इसकी शिकायत पिछोड़ थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फरियादी पिछले 4 माह से लगातार रिपोर्ट दर्ज कराने और भैंसों को चक्कर बरामद करने के लिए थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। धर्मवीर यादव ने मंगलवार को जनसुनवाई में इसकी शिकायत की है, एसपी को दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि 4 माह पहले मेरी 6 भैंसों को अमित यादव ब्रजेंद्र यादव निवासी ग्राम चंदू पहाड़ी चुरा कर ले गए। चोरी की नामजद शिकायत करने के बाद भी पुलिस ना तो रिपोर्ट दर्ज करा रही, ना ही आरोपियों के कब्जे से भैंसों का बरामद कर रही है। नाम है आपका? धर्मवीर यादव। कहाँ के रहने वाले हो? जिमिलिया। एसपी ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? मेरी 6 भैंसें चोरी की गई, उनका नाम से मैंने आवेदन दिया। कौन ने चोरी की थी आपकी? अमित यादव ब्रजेंद्र यादव। ये कौन है ये भाई, आपके गांव में रहते हैं क्या? नहीं, ये दूसरे गांव के। कहाँ के हैं ये? चंदू पहाड़ी। आपको कैसे पता चला कि उन्हीं ने चोरी की है? मेरे पिताजी ने उनको देखा। अच्छा, पिताजी ने देखा था भैंसे ले जाते हुए रात के 2 बजे। तो थाने में नहीं बताया आपने? मैंने पुलिस अधीक्षक को पुलिस में 2 बार दिया आवेदन, और 4 माह से प्रतिदिन जाता हूँ, और जो प्रभारी है वहाँ पर वो बोलते हैं आज नहीं कल लाना, आज नहीं कल लाना, ये कंडीशन चल रही है 4 माह से। चक्कर लगा रहे हैं आप थाने? हाँ, के थाने के चक्कर। सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ आए तो क्या आश्वासन दिया आपको? इन्हें आश्वासन दिया कि आपकी कायमी होगी, जो आप चाहते हो आप। कितने रुपये की भैंसें थी आपकी? 6 लाख। 6 लाख रुपये की।